नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 15 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 16वां चैप्टर है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। याद रखिए, जल के बिना कुछ भी नहीं है। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर हम अपने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होगा। क्योंकि जब प्रकृति हम खेलना शुरू करती है हमारी जिंदगी से, तो किसी लाइट भी नहीं छोड़ती है। ठीक है, इसी उसी तरह प्रकृति उसी भगवान की तरह है कि हमें भगवान ने एक अच्छा इंसान बनने के लिए चुना है। हमारे हाथ में ये नहीं है कि किसी की खुशियां हम छीने या किसी को खुशियां उजाड़ें, किसी के साथ बुरा करें। ये ऊपर वाले का काम है। अगर आज ये आप सब करके जीते हो, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर तुम किसी की खुशी छीन कर एक वक्त के लिए भी हंसते हो, तो तुम इंसान कभी नहीं कहला सकते हो। ठीक है, और इतना बड़ा अपने आप को खिलाड़ी मत समझिए। दो चार लोगों के साथ गलत करके आप खिलाड़ी बन गए, ये गलत है। कभी किसी के भरोसे का कोई फायदा मत उठाइए, और सब खुश ही रहिए, खुश खुद रहिए, दूसरे को खुश रखिए। क्योंकि जब भगवान ऊपर वाला खेलना शुरू करता है, तो किसी लायक भी नहीं छोड़ता है, ना तो रोने लायक और ना ही सुधरने लायक। तो इतना मत सोचिए कि अगर किसी का भरोसा तोड़ देते हैं या किसी से के साथ बुरा कर देते हैं, वो समझते हो कि हम ही चतुर हैं, हम ही समझदार हैं, ये गलत है। ठीक है, पर आपकी मर्जी, क्या उखाड़ लोगे हो किसी की खुशियां छीन कर, किसी को दुख देकर? कुछ नहीं, अपनी इंसानियत का फर्ज निभाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, याद रखिए, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। इस अध्याय को बड़े धैर्य के साथ पढ़ना है आपको। किताबें जो भी एनसीईआरटी है, लास्ट में जो निष्कर्ष होता है उसे बता दिया जाता है, और इस अध्याय को जो हमारे पढ़ने का उद्देश्य है उसे भी समझा दिया जाता है। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च यानी कि 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य इतना ही है कि आपको इसके महत्व के बारे में समझाया जा सके, आपको जागरूक बनाया जा सके। तो याद रखना, 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया, और आपने आयु आपके आयु वर्ग के बच्चों ने पोस्टर आमंत्रित किए। उस दिन प्रस्तुत किए गए कुछ पोस्टरों को चित्र 16:1 में दर्शाया गया। जल की हर बूंद बचाएं, जल की बचत करें, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है, मेरा परमित जल। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है? अपने प्रेक्षकों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा कीजिए। क्या आपके घर कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद ना करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष जल दिवस के रूप में मनाते हैं। पेयजल धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम क्षमता, न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति होती है। कितना? 50 लीटर प्रति व्यक्ति। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों, उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभवों की उनके साथ चर्चा कीजिए। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी ना आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई लग झड़ गई झड़ गई झगड़े सॉरी जल की मांग के लिए धरने प्रदर्शन आदि दस विशेषकर ग्रीष्म गर्मियों के दिनों में दिखाई देते हैं।
चित्त 16.3 में, 16.3 में दिखाई गए कुछ समाचारों पत्रों की कतरन। इस स्थिति को की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं ये कतरन। क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? याद रखिए जल हमारे लिए पर्याप्त है। आपने सुना होगा 70-71% हमारी धरती पर जल ही है, बाकी 29% के करीब हमारे पास स्थल मंडल है, जल मंडल काफी है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोग लायक जल नहीं है। अब आप खारे पानी से या लवणयुक्त तो जल से नहा तो नहीं सकते, पी भी तो नहीं सकते हो, तो पानी तो पर्याप्त है लेकिन स्वच्छ जल बहुत ही कम है हमारे लिए। क्रियाकलाप 16.1 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार लेख और चित्र की कतरने एकत्रित कीजिए, उन्हें अपने स्कैप पुस्तिका में चिपकाएं और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा करें। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। बात करते हैं कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष के से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए, यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चित ही आप अनुमान लगा सकते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पर जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाब, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल आलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं हम लोग। ऊपर बताए गए कुछ स्रोतों से उपलब्ध आलवण जल यानी कि ताजा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए क्रियाकलाप 16.2 का प्रयोग करेंगे। किस सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुमान अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध आलवण जल का आकलन कीजिए। फर्स्ट चरण ये चित्त हो गया, ये टिप्पणी। मध्यम आमाप साइज की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए, इसमें लगभग 20 लीटर जल होता है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। आपका 1.5 ml क्षमता का चम्मच ले लीजिए। बाल्टी से 100 चम्मच जल मग से किसी छोटे पात्र में निकाल लीजिए। इस तरह से यह पृथ्वी पर उपलब्ध आलवण जल की को प्रदर्शित करता है। मग से 3 चम्मच जल की को कांच के किसी गिलास में डालिए। इस तरह से यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा के समान है। अंत में मग से 1/4 चम्मच जल निकालिए। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों से उपस्थित कुल आलवण जल की मात्रा प्रदर्शित करता है। बाल्टी से बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित जल यानी कि लवण जो खारा पानी है वो है, और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग से बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूपों में हिमनद, ध्रुवीय बर्फ, पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। यह जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होता। मैंने कई भी जगह देखा है कि लोग 2-2 किलोमीटर पानी पीने के पानी भरने के लिए जा रहे हैं लेने के लिए। महिलाएं इस मैटर में महिलाएं बड़ी परेशानी होती है उन्हें, क्योंकि काम तो वही करती हैं। कई जगह देखा है, अभी भी बुरी स्थिति है। 21वीं सदी में आ गए फिर भी हमारे यहाँ बहुत बुरी स्थिति होती है कई जगह में। आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपने बेहतर तरीके से देखा होगा, क्योंकि शहरों में तो ठीक सुविधा है। बूझो यह जानकर चकरा गया कि हमारे पास उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा इतनी कम है। पहली ने गणना करके बताया कि आलवण जल की
मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है, 6 फीसद। हमें से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में अपनी कक्षा में चर्चा करिए। आपको चर्चा करके नहीं बैठना है, आपको पढ़ के निकल जाना है बस, ठीक है? जो कक्षा 7वीं के बच्चे होंगे वो चर्चा करेंगे अच्छे से बेहतर। जल की अवस्थाएं, क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्रण का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6वीं में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव, गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ छत्र, बर्फ से ढके पर्वतों, हिमनदों, ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे मोम जल की भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं, क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 में आपको इसमें सहायता कर सकता है। चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द हुआ। ये आपका मतबोल है, फिर आपका हो गया बाष्प, फिर हो गया आपका नासंग, किस तरह से नाम है इसके, फिर आपका लदवा और नरज बाष्पोत्सार, ये आप सेम अदंत ना है, और ये हो गया वर्षण या इस तरह से, ठीक है? ये जल चक्र है। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल की आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुआं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती है। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उनके उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है, हम लोगों ने देखा हुआ इस तरह से जल लेकर आती महिलाएं। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्यार निर्मित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने से में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों तथा अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल हमारे कहाँ से मिलता है? बात करते हैं जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका भौमजल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहां की मृदा अर्ध यानी कि नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चलें
जाए तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान, अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकती है। भौमजल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकती है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। इस भौमजल का क्या स्रोत है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःसंवहन कहलाता है। तथा इस क्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर नीचे स्थित कठोर शैलों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ये आपका जल हो गया, भौमजल देखिए इस तरह से, ये नदी और झील हो गई, ये आपका हैंडपंप हो गया, पुनः आपूर्ति हो रही, बाप के रूप में जाता है, फिर वापसी आता है, ये भौमजल हो गया। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल इस पर पहुंचने के लिए संछिद्रण बोरिंग की जाती है। वहां कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। क्या आप भूमि के नीचे निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक है कमी ही होगी। वही कारण है कि हमारे आज से कुछ साल पहले हम बहुत जल्दी पानी निकल आता था। कहीं बोरिंग हो रही है, कुएं खोदे जा रहे हैं, तो कम ही गहराई पर पानी हमारे लिए उपलब्ध हो जाता था। लेकिन आज उल्टा है, बहुत नीचे तक बोरिंग करवानी पड़ रही है या कुआं खोदना पड़ रहा है, तो बहुत गहराई तक जाना पड़ रहा है, तभी हमारे लिए जल उपलब्ध हो रहा है। भौमजल स्तर का अवक्षय भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनापूर्ति प्रायः वर्षा के रिसाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते जितने कि प्राकृतिक विक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति की जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों आदि भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचा कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन अपरोपण, वनोन्मूलन और जल के अवस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। याद रखिए एक बात बताएं कि हमारी इतनी औकात कभी नहीं है इंसान की कि वो प्रकृति का संरक्षण कर सके। प्रकृति से को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे से कोई नुकसान मत पहुंचाइए। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को संतुष्ट या पुनः पूर्ति कर सकती है। जो भी क्षति होती है वो दोबारा अपनी कवर कर लेती है, लेकिन तुम उसमें कुछ हानि मत पहुंचाइए। उसके सामने सामने तुम कोई भी समस्या खड़ी मत करिए। गांधी जी ने एक सुना होगा आप लोग सभी लोगों ने कि गांधी जी ने कहा था कि वो प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, हर इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी लाल एक लालची व्यक्ति की पूर्ति के लिए ये हमारे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ सकते हैं, क्योंकि मानव बड़ा लालच है। अब बात करते हैं जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे
खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्तरण वर्ण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह की कमी होती है रही तो उसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से स्रावित नहीं होता है, यानी कि रिसाव नहीं होता इसका, जबकि घास के बगीचे मैदान मैदानों आदि से जल तुरंत अवस्तरित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसके लिए पर्याप्त भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के रिसाव के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर निरंतर अक्षर हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल का स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तर तक पहुंच गया है। बढ़ते हुए उद्योग जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। क्रियाकलाप 16.4। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिनसे आप परिचित हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले इनमें से प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची बना सकते हैं। अपने शिक्षकों या शिक्षिका और माता पिता से इस बारे में बातचीत करिए। इस प्रकार बढ़ते हुए उद्योग धंधे भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। फिर आपका कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। अब बात करते हैं जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध होती है। इसके विपरीत रेगिस्तान जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से पर्याप्त बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। बात करते हैं क्रियाकलाप 16.5। हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। ये देखते हैं मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहां आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध है? यह भी संभव कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ वर्षा तो पर्याप्त है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जल संसाधन के कुप्रबंधन के कारण होता है? यह है आपका भारत का वर्षा मानचित्र। ये आपका श्रीलंका हो गया, लक्षद्वीप सागर, अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ये आपका जो काला बॉक्स दिख रहा है ये रंग आपका 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा को दर्शाता है। ये नीले रंग का ये आपका 200 से 400, ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर, ये 60 से 100, ये 40 से 60 और 20 से 40 से, और ये है सबसे नीचे 0 से 20। ये है आपका, यहाँ आपका 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये आपका ये ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश, ये आपकी करक रेखा, म्यांमार हो गया, चीन, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान। आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी जो करक रेखा है कितने देर राज्यों से गुजरती है। ठीक है, सोच के गूगल पर सर्च कर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जल प्रबंधन के बारे में। आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण
पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइप में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। को प्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करते, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, इसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भूमि जल के स्तर को पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा। याद रखिए जल प्रबंधन के बारे में, आपने लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे नल आ रहे हों, जब हमारे यहाँ टंकी भरी हो, तो हम उस 4 से 5 बाल्टी नहाने में यूज कर लेते हैं, ठीक, और पानी को बर्बाद करते हैं। याद करिए वो समय जब हमारे यहाँ पानी नल नहीं आ रहे होते, किसी कारण से लाइट ना हो, टंकी ना हो, उस समय हम क्या सोचते हैं कि एक डिब्बा ही मिल जाए जिससे हम लोग नहा क्या लें, मंजन ही कर लें, मंजन के लिए तरस जाते हैं। तो ये सही बात है, जिस पर बीतती है वही जानता है। बाकी सबके लिए तमाशा रहता है कि जल बचाओ, ये करो वो करो, जिससे इसका महत्व मालूम है उसी से पूछिए उस पर क्या बीतती है जहाँ जल की कमी है। हमारे लिए जल की कमी नहीं है तो हम उससे नहीं परिचित होंगे। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण, जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने की का पारंपरिक तरीका है। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिस स्थानों पर बावड़ियों का पुनः उद्धार किया गया है वहां कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकता, उनका प्रबंधन भलीभांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में जरूर सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन, गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भोजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहां का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता है। पिछले वर्षों जल का की मांग बढ़ गई, भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक हो गया। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल पर स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता गया। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुकमावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम बांध बनाए। इस तरह के एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ा दिया गया, जिससे जल भरों की पुनः पूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार जब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जल बहकर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है, ठीक है, ये बांध बनाने के बाद। अब बात करते हैं आपकी भूमिका क्या हो सकती है। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत से जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। जल बचत आदतें, मंजन बुरुश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। फर्श की धुलाई कर
ने की बजाय उस पर पोंछा लगाएं, ठीक है, और पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो यह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय एक में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उनका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाती है जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के ना रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंध अनेक समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। एक सफल प्रयास। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राप्ति कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के दल ने अलवर जिले में इस शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूखी हुई नदियों आखेरी, रूपारेल, सरसा भागनी और जहाज वली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। हमारा जल हमारा जीवन। तो इसमें क्या देखा है आपने? इन सभी शब्दों की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। जल भर की अवक्षय की, बूंदी सिंचाई, बूंद सिंचाई योजना की, भौम जल अंतःसेदन, पुनःपूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर, आलवर जल, ठीक है भाई। यही हमें जानना है इसमें। इस अध्याय से आपको क्या सीखने को मिला है? जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग हुए जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताओं और कुप प्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भूमजल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनःपूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करें। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। तो ये था आपका, ये आपके कुछ अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए, अभ्यास के लगा सकते हैं और आप लोग पीडीएफ भी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, पूरी किताब आपकी वहां से पढ़ लीजिए। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जल को अच्छे से उपयोग करें और बचाएं, ठीक है। और अगर पता है, एक और अपने इन भारत की समस्या है, पहले इसे देख लेते हैं फिर बताता हूं। कोठापल्ली गांव के समीप जल संभव प्रबंधन परियोजना द्वारा जल प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परियोजना के नाटकीय परिणाम आए हैं। भौम जल स्तर बढ़ गया है, हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप इस उपबंजर क्षेत्र में उत्पादकता और आय में आशातीत वृद्धि हुई थी। हमारे यहाँ एक और ओवर में स्मार्ट भरी हुई है हर किसी में। अगर आप नल बंद करोगे, कहीं स्टेशन पर खुला हुआ है या गंदगी फैली हुई, आप उसे उठा के फेंकोगे तो पता है लोगों के मन में आपको बेवकूफ समझने की आदत डल जाएगी कि बेवकूफ है, उठा रहा है। इस टाइम में बेवकूफ बनना ही अच्छा, ठीक है, क्योंकि समझदार हो तो हर जगह उग गए हैं। कुकुर मुत्ता देखा है आपने? बिना उगाए उग जाते हैं कुकुर मुत्ता। उसी तरह समझदारों की संख्या कुकुर मुत्ता की तरह उग गई है। और इनका इतना भी क्लियर रखिए याद, इनकी बुद्धि भी कुकुर मुत्ता जैसी है। तो आप अगर बेवकूफ अपने आप को समझ सकते हैं या कोई बोल सकता है ऐसा काम करते समय, तो बिल्कुल समझिए, बड़े गर्व से कहिए कि हम बेवकूफ हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16वां चैप्टर। 17वें चैप्टर में देखेंगे हम
बन हमारी जीवन रेखा, ठीक है।